नमस्कार, स्वागत है आपका प्रिया वेज किचन में। आज जन्माष्टमी है तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे सभी देखने वाले व्यूअर्स को। तो आज की रेसिपी हम जो तैयार करेंगे वो है महाप्रसाद थाल। आप देख पा रहे हैं हम कान्हा जी का आज महाप्रसाद थाल बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे तैयार करेंगे। और इसके पहले बता दूं कि अगर आपको ये भोग प्रसाद थाल की रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं कैसे बनेगा। तो सेव को हमने ग्रेट कर लिया है। अब चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं कैसे बनेगा। अब हम इसमें डाल लेंगे 2 चम्मच घी, 2 बार डालेंगे ये कद्दूकस किया हुआ सेव, इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हम भूनेंगे इसको। मेजरिंग कप से आधा कप, ये आधा कप का ही है तो इससे हम आधा कप डालेंगे दूध। इसके बाद डालेंगे हम इसमें 4 चम्मच चीनी, अब जब इस स्टेज पे आ जाएगा इसके बाद डालेंगे हम इसमें बादाम, काजू, आधा कप बादाम, आधा चम्मच और आधा चम्मच काजू और 10 से 12 हलवा किशमिश के दाने बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे सेव का हलवा। तो चलिए अब हम दूसरा हलवा बना लेते हैं। पोटैटो को भी हमने कद्दूकस कर लिया है, अब बना लेते हैं हम इसका हलवा। अब हम डाल लेंगे इसमें 2 चम्मच घी, 3 चम्मच 3 चम्मच घी डाल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम 4 स्वीट पोटैटो को हम इसी तरह से डाल देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भी हम भूनेंगे। स्वीट पोटैटो से जल्दी पक जाता है और ग्रेट करने के बाद तो और भी जल्दी, लेकिन फिर भी हम इसको धीमी आंच पर भून चुका है भूनेंगे। हम डालेंगे इसमें 2, ये आधा कप मेजरिंग के लिए है तो इससे हम डालेंगे 2 कप यानी कि पूरा 1 कप दूध। और अब डालेंगे हम ये
मिल्क पाउडर, तो मिल्क पाउडर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच, ये मेजर किया हुआ था, इसमें डाल देंगे। और अब इसमें डालेंगे हम चार से पांच चम्मच चीनी, तो ये 1 चम्मच हो गई, और ये 2 चम्मच, और ये 3 चम्मच, चौथी, और ये 5वीं, यानी कि ये भी मेज़र करके रखा हुआ था आपको बताने के लिए। हमने सामने मेज़र किया, इसको हम थोड़ा ढक लेंगे, डाल देंगे थोड़ा इलायची पाउडर। अब ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, इसमें मिला देंगे हम थोड़ा सा काजू, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा किशमिश, इसे डालकर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। स्वीट पोटैटो का हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है, अब हम इसको दूसरे बर्तन में सेट कर लेंगे। अब हम डाल लेंगे 2 चम्मच घी फिर से, और इसमें हम मखाने की खीर बनाने के लिए मखाने को भून लेंगे। खाना भी भुन चुका है, अब हम इसको इस तरह का कोई भी ले लेंगे हम, और उसमें लेकर के हम थोड़ा सा इसको कूट लेंगे। हम तोड़ने के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, अब इस कटोरी से 1 कटोरी दूध हमने डाल लिया है, बिल्कुल गाढ़ा दूध है। अब इसमें उबाल आ जाए, अब इसमें हम मिला लेंगे मखाना जिसे हमने तोड़ कर रखा हुआ है। जब दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए उसके बाद ही हम मखाने को ऐड करेंगे इसमें। मखाने को हल्का तोड़ लेने से इसकी खीर अच्छी बनती है, ये बिल्कुल अलग अलग नहीं, बिल्कुल मिला मिला सा लगता है, तो इसलिए इस मखाने को तोड़े ज़रूर। डालेंगे थोड़ा काजू, थोड़ा बादाम, तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे चीनी 4 चम्मच, 1 चम्मच, 2 चम्मच, और ये 3 चम्मच, और ये 4 चम्मच। इसके बाद इसमें मिला लेंगे हम इलायची पाउडर, इसमें हम थोड़ा सा डाल देंगे इलायची पाउडर, अब हम गैस को फ्लेम बंद कर देंगे और इसको 1 कटोरी में डाल देंगे। तो तैयार हो गई हमारी
खाने की खीर भी। डालेंगे 2 चम्मच घी और इसके बाद डालेंगे हम, अब इसमें डालेंगे ये कुछ कटे हुए बादाम, तो थोड़ा रोस्ट करके। अब डालेंगे ये 1/2 कटोरी धनिया। धनिया को हमने पहले ही पीस लिया है। अब इसको हम रोस्ट कर लेंगे। हमारा पंजीरी हो चुका है। अब इसको एक दूसरे बर्तन में हम निकाल लेंगे और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा उसके बाद इसमें हम शुगर मिला देंगे। अब इसके बाद थोड़ा ठंडा होने के बाद इसके बाद इसमें हम चीनी मिला लेंगे। अब पंजीरी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसमें मिला लेंगे शुगर। तो ये हमारा धनिया पंजीरी तैयार हो चुका है। ध्यान रखिएगा धनिया जितना होगा उसके 1/2 शुगर डालिएगा इसमें, क्योंकि इसमें थोड़ा शुगर डालना अच्छा लगता है, थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है ये। हम बना लेंगे पंचामृत। तो कान्हा जी के लिए जो पंचामृत हम बनाएंगे, ये गाय का दूध और ये गाय का ही दही लेंगे, और इसके बाद इसमें लेंगे ये गुड़ है जिसको हमने कद्दूकस करके रख लिया है पहले से ही। इसको हम ऐसे कद्दूकस करके रख लेंगे, और ये शहद, अब हम इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। अब डालेंगे इसमें हम, ये अच्छे से मिल जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गाय का घी। तो हो गई हमारे 5 चीज, दूध, दही, घी, शहद और गुड़। तो तैयार है हमारा ये कान्हा जी का भोग प्रसाद थाल। तो चलिए, देखा आपने कितना सुंदर दिख रहा है ये हमारा कान्हा जी का भोग प्रसाद। तो आप भी बनाइए इस जन्माष्टमी कान्हा जी का ये भोग प्रसाद। और ये भोग प्रसाद की थाल अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर लें और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारे भोग प्रसाद की थाल आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तो